'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आया हूँ विद फन। हम आपको मुस्कुराते हैं, हंसाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाराज होते हैं, किसी का दिन खराब होता है, और इंडिया में अभी जो माहौल चल रहा है तो थोड़ा अगर मैंने हंसा दिया, मुस्कुरा दिया, तो हमने क्या गुनाह किया? नहीं पसंद है चमचागिरी यार। अब पोल की बात करें, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में पूछा था तो 70% से ज्यादा लोगों ने कहा हम एक्साइटेड है, और 27% लोग ऐसे भी जिन्होंने कहा नहीं हम इतना एक्साइटेड नहीं है। एनीवे, सैमसंग गैलेक्सी M42 5G की हमने अनबॉक्सिंग किया, क्या अच्छा था क्या बुरा था जो भी था खोल के हमने आपको उस वीडियो में बताया। अगर नहीं देखा है जरूर से आगे देखना, लाइक करिए दोस्तों, 30-40 हज़ार लाइक्स हो रही है आजकल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी जो पबजी वाली वीडियो वो ट्रेंड कर रही है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ट्रेंड पर चढ़ाइए, टेक्नोस को भी चढ़ाइए, लाइक करिए, और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है स्टारलिंक इंटरनेट से। जी हाँ, अपने जो मस्के वाले भैया है ना, इलॉन मस्क, हाँ ये उनका है दोस्तों। बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर इसके थ्रू देना चाहते हैं, और इंडिया में भी दोस्तों इसका बीटा वगैरह उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन शुरू किया था। ग्लोबली 5 लाख से ज्यादा इसके प्री ऑर्डर्स भी आ चुके थे, लेकिन आपको बताया अचानक से रेडिट के ऊपर किसी ने भी इसका बीटा वगैरह टेस्ट किया रहेगा, तो बताया उस बंदे ने कि भाई जब भी अगर हम कोई कॉपीराइटेड या पायरेसी कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करने जाते हैं तो ये हमें ईमेल करता है और वार्निंग देता है और बोलता है कि ये अलाउड नहीं है, ये इल्लीगल है, आप ये नहीं कर सकते। जी हाँ, तो अगर आप स्टारलिंक कनेक्शन लेने की सोच रहे थे इंडिया में तो आप टॉरेंट से पायरेसी या कॉपीराइटेड कंटेंट्स वगैरह इनके कनेक्शन के थ्रू डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है। तो स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन जो है इंडिया में आएगा तो ये ट्रबल क्रिएट कर सकता है। एनी अल्ट्रा लेजेंड्स, प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। सैमसंग की तरफ से आज दो ही खबर आ रही है। हाँ, पहले तो गैलेक्सी जी फ्लिप 3 जो है ये किसी ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर बताया कि 3 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा ये ग्लोबली, और इसकी प्राइस भी बाहर आ गई है $990। कन्वर्ट कर लो तो हो जाता है कितना होता है, हाँ 75,000 के आसपास हो जाता है, तो समझ लीजिए इस प्राइस पर तो अच्छी चीज़ है, और इसके रेंडर्स निकल कर आए तो बड़ा खूबसूरत भी लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ लीक है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बढ़िया, वैसे सैमसंग फोल्डेबल फोन हमें देता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या हमारी वैल्यू नहीं है, दे तो अच्छा है। एनीवेज, साथ में सैमसंग गैलेक्सी A52 5G ये इंडिया के अंदर दोस्तों फाइनली लिस्ट हो गया है, इसका मतलब बड़ी ही जल्दी आपको सैमसंग A52 में 5G वेरिएंट मिलेगा। अब इसकी प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा ही होगी, लेकिन देखते हैं। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए A52 5G की तो कमेंट में ना जरूर से बताना। वैसे व्हाट्सअप एक बड़ा नेक काम कर रहा है, वो प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं ले रहे हैं, कुछ और है। जब भी आप व्हाट्सएप पर टाइप करते हैं तो अब क्या होगा, ये आपको स्टिकर्स सजेस्ट करेगा आपके वर्ड के हिसाब से, अगर आपने सैड लिखा, फनी लिखा, हैप्पी लिखा, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली स्टिकर्स आ जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, वहीं से आपने टाइप किया और आपने उसको भेज दिया। तो ये होता है स्टिकर्स सजेशंस, जो एक वीडियो पूरा बाहर आया WA Beta इन्फो ने बताया कि इस तरीके से ये काम करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए, कल को अगर हमें दिल खोल के किसी के सामने हमारे इमोशंस को रखना हो तो तुरंत हम कर सकते हैं। यस, फोल्डेबल फोन का जमाना है दोस्तों। मैंने 2020 में अपनी पता नहीं कुछ टेक्न्यूज में बोला रहेगा कि 2021 जो है वो फोल्डेबल फोन का जमाना होगा। लो सामने आपके शाओमी, सैमसंग, हुआवे और कौन है भाई, मोटोरोला, हाँ इनके तो जबरदस्त फोन आपको मिल रहे हैं फोल्डेबल। हाँ, अभी ओप्पो भी दोस्तों एंट्री मार रहा है, और बड़ी ही जल्दी जून तक बताया जा रहा है कि ओप्पो अपना एक फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा। वैसे रोलेबल वाला फोन तो उन्होंने लेके आया था, लेकिन वो तो देखने के लिए था, लेकिन अब फोल्डेबल फोन आएगा, कमर्शियली अवेलेबल होगा, और शायद हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इस साल शाओमी, ओप्पो और मोटोरोला का और सैमसंग के काफी सारे फोल्डेबल फोन आ रहे हैं और इंडिया में भी आएंगे, और इनको मैं लड़ाएगा, ऐसा फोल्ड नहीं करेगा, ऐसा करके इनको लड़ाएगा। गूगल की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है हम सभी लोगों के लिए। हाल ही में एप्पल ने iOS 14.5 से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखा था अपने यूजर्स के साथ में, कौन सा ऐप कितना डेटा ट्रैक करता है, क्या लेता है वगैरह वगैरह। गूगल भी कुछ वैसे ही करने वाला है थैंकफुली। प्ले स्टोर में एक नया सेफ्टी सेक्शन आपको मिलेगा, जहां पर वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा उन ऐप्स की जो आपने इंस्टॉल किया है, कि उसने आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें ट्रैक कर रहा है, कितना डेटा ले रहा है वगैरह वगैरह जो भी है, तो वहां से फिर आप जाके अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते कि इसको रखना है,
इस धोखेबाज को या इसको यहां से निकालना है। और मैं बहुत खुश हो गया जब मुझे ये अपडेट के बारे में पता चला, बड़ी ही जल्दी आ जाएगा। तो फाइनली आगे चल के कुछ फेक ऐप्स होते हैं, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं जिनसे हमें डर लगता है, तो टेंशन लेने का नहीं, सेफ्टी सेक्शन में जाने का, देखने का ये क्या कर रहा है और वहां से उसको कल्टी करने का। आपको पता है IBM ने दोस्तों क्या किया है? IBM अभी हाल ही में हमने 7nm 5nm चिपसेट के बारे में सुना है, लेकिन IBM वाले सबसे आगे निकल गए, 2nm 2 नैनोमीटर चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी हाँ, ये जो 7nm से अगर कंपेयर कर ले तो 45% दोस्तों ये ज्यादा पावरफुल होगा और 75% ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। जी हाँ, और ये मे बी फ्यूचर में लैपटॉप्स वगैरह के लिए और स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी दोस्तों इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया जो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के लिए हमें लीस्ट 5nm मिल रही है, लेकिन IBM 2nm तक पहुंच गया है। और सबसे अच्छी खबर इसमें क्या निकल कर आ रही है आपको बताएं, इसमें जो मास प्रोडक्शन जब होगा भी तो सैमसंग उसमें उसको हेल्प करेगा। क्या पता सैमसंग के फोन्स में हमें 2nm वाले चिपसेट्स फ्यूचर में मिल जाए ये IBM वाले। क्या बात है, ये है फ्यूचर जो IBM ने यहां पर कर दिखाया है। अरे बासरा, ये वाला बहुत करता है ज्यादा। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कल दोस्तों धमाल हो गया था, हमने वीडियो बनाकर आपको बताया, हमारा वो वीडियो ट्रेंडिंग पर भी चढ़ गया फाइनली। और अब दोस्तों आपको बताया उनका एक दूसरा नया टीजर आ गया उनके यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, और इस टीजर में वो कुछ नहीं बता रहे, मतलब सिर्फ अपने लोगों को उन्होंने रिवील किया, उनका न्यू जो लोगो है ना उसको उन्होंने इस टीजर के रूप में रिवील किया। और वही लोगो है जो हमें पहले दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। और जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे जैसे इसकी तरफ से जो अब खबर आ रही है, ये सब ऑफिशियल आ रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है सीरियसली। बस देखने के कितना जल्दी ये प्री रजिस्ट्रेशन पर जाता है, कितना जल्दी हम उसको प्री रजिस्टर करते हैं और आपके लिए जल्दी से जल्दी गेम प्ले लेके आते हैं। इसने मेरे को गाली दिया, मैं आप लोग क्या करता है, लाइक करता है, कमेंट करके जाता है ना। अच्छा अच्छा मोबाइल मारेगा साला, डेटा नहीं मांगेगा। बात करते हैं कुछ हैकिंग की। मैं इधर से इसलिए आया क्योंकि मैं सोच सोच के इतना खो गया था कि मैं उधर चला गया था। क्योंकि Realme India जो सपोर्ट पेज है ना ट्विटर के ऊपर, बेचारे सबका जवाब देते, अगर आपको कुछ इशू हो तो हम बताते, आपके साथ ऐसा हो गया, अरे कोई बात नहीं हम ये कर देंगे। कल रात को दोस्तों उनका पूरा ट्विटर हैक हो गया था। जी हाँ, उनका सपोर्ट पेज वाला, और टेस्ला करके किसी ने नाम वाम चेंज करके सेट वेरीफाइड टिक भी मार दिया, ये हैकर था कोई, और बिटकॉइंस मांग रहा था सब जगह से, स्पेशली इलॉन मस्क के वहां जाके बिटकॉइन मांग रहा था। टेस्ला नाम चेंज किया और इलॉन मस्क के पास। ये हैकर्स भी बड़े फनी होते यार, आई बहुत तेज लग गया। लेकिन बाद में अकाउंट रिकवर भी हो गया था। आज की सबसे बुरी खबर की बात करें तो जियो वाले बाबू जो है अपने मोटा भाई, हाँ वो बताया जा रहा है कि इस साल मिड के बाद से अपने जियो के जो प्रीपेड प्लान है, जो आप लोग जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं कॉलिंग और डेटा के लिए, इन सब के ऊपर प्राइस वो बढ़ाने वाला है। जी हाँ, और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, अभी पिछले उनको साल में कितना नफा हो गया, मतलब कितने हजार करोड़ का, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मतलब दिस इज नॉट फेयर यार। मोटा भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ खबर आया और मैं सुना था, मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे घर में भी जियो, मैं नहीं यूज करता हूँ, मेरे घर में भी जियो के सिम कार्ड दो तीन है, तो उनको ये खबर देनी पड़ेगी ना। दूर से दूंगा, नजदीक से नहीं दूंगा। तो आप देखते हैं अगर ये खबर सच है गलत है क्या है, लेकिन हाँ ऐसा बोला जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो काफी सारे जियो यूजर्स का दिल इंडिया में टूटने वाला है। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर वीवो पर किसी ने बताया कि भाई चाइना के अंदर हुआवे का जो हार्मनी OS है ना, वीवो ओप्पो और मीजू अपने फोन्स में वो इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, और हुआवे का जो हार्मनी OS है इसमें गूगल की सर्विसेज नहीं है, ये हमें समझना है। और मुझे नहीं लगता कि ये ग्लोबली या इंडिया में होगा, क्योंकि ऑलरेडी कलर OS अच्छा चल रहा है, फंटच OS अच्छा चल रहा है, और मीजू तो इंडिया में है नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि वीवो ओप्पो वाले जो है वो अपने फोन्स में हार्मनी OS का इस्तेमाल करेंगे, और ये कैसे चलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस दुआ करते कि ये चीज़ इंडिया में ना हो। हाँ, क्या खबर है दोस्तों, मनमोहन सिंह ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिनके सिग्नेचर्स करेंसी पर है, इंडियन करेंसी पर थे, मैं पहले की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आज की रिंग न्यूज़ में खत्म करता हूं। आपको आज की रिंग पसंद आएगी, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।